सभी सखियों और सखाओं को नीलू का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ अपने बचपन का एक किस्सा साझा करने जा रही हूँ। कहते हैं डर वास्तव में प्रेम का उलट पलट स्वरूप है। हम उस वस्तु या व्यक्ति से डरते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते अथवा जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। जहाँ विश्वास की कमी होती है वहाँ डर या भय पैदा होने लगता है। मैं लगभग 8 साल की थी तब गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास आई हुई थी। नाना जी के कमरे में किसी को जाने की इजाज़त कम ही होती थी। कारण था उनके कारखाने के काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर्स फाइल्स आदि उनके टेबल पर पड़े रहते थे जिन्हें वो आए दिन चेक करते रहते थे। जहाँ जाने की मनाही हो वहाँ जाने का कौतूहल सबके मन में होता है। एक दिन नाना जी अपने कमरे में बैठे पूजा कर रहे थे। मैं चुपके से अंदर चली गई और उनके पास जाकर बैठ गई। तभी मेरी नज़र दीवार पर लगे एक कैलेंडर पर गई और डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जानते हैं कैलेंडर में कौन थे? हनुमान जी, जिनकी छाती से खून बह रहा था। मैं उस फोटो का अर्थ नहीं समझ पा रही थी इसलिए खून देखकर डर गई। नाना जी ने मेरा ये हाल देखा तो मुझे पुचकारते हुए बोले, ये हनुमान जी हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये तो अजर अमर हैं। ये अपनी छाती फाड़ कर दिखा रहे हैं कि इनके हृदय में श्री राम और सीता जी का वास है। फिर नाना जी ने मुझे रामायण से जुड़े कई प्रसंगों के बारे में बताया और साथ ही डर लगने पर हनुमान जी को याद करने को कहा। आज नाना जी तो नहीं हैं लेकिन जब भी डर लगता है तो हनुमान जी से डर पर विजय पाने की शक्ति मांग लेती हूँ। डर पर विजय पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है ध्यान या मेडिटेशन। जब हम मैं से मुक्त हो जाते हैं तब हमें किसी बात का भय नहीं रहता। मैं का अर्थ है अभिमान। जब हम मैं से मुक्त होने लगते हैं तो हमारे भीतर की सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। ये चिंता होती है अपना अस्तित्व या पोजीशन खो देने की। चिंता समाप्त मतलब भय या डर समाप्त और फिर हम बेहद लाइट या हल्का महसूस करने लगते हैं। जब जीवन इतना सरल हो सकता है तो बेकार की इस मैं से इसे जटिल क्यों बनाया जाए। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी सदैव निडर रहें, मैं लेती हूँ आपसे विदा, पर बहुत जल्द लौटूंगी यहीं एपिक धारा में।